नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़, और आज आप मुझे यूनिफॉर्म में इसलिए देख रहे हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे आप प्यारे भाई लोग पूछते रहते हो कि मैंने क्यों जॉब छोड़ दी। देखिए भाई, सबसे पहली तो बात कि मैंने अभी तक क्विट नहीं की है, और छोड़ना नहीं होता है, दो तरीके से होती है, एक रिटायरमेंट होती है और एक होता है VRS यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो मेरा प्लान अभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि टच वुड, आपके प्यार से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से काम बहुत ठीक चल रहा है और मेहनत हमेशा से करता रहा हूँ। और हर इंसान के ना लाइफ के कुछ गोल होते हैं, कुछ प्राइवेसी होती है, लेकिन मेरी लाइफ में आपने प्राइवेसी आपके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप भी फैमिली का हिस्सा हो, तो जो भी मैं करता हूँ आपको बताता जरूर हूँ। सो मैं अभी भी डिपार्टमेंट मैंने अभी लीव नहीं किया है, और इस साल में भी नहीं है। हाँ, जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, मतलब मैंने पिछला शो खेला था, कुछ बातें हुई थी जो डिपार्टमेंट की तरफ से और कुछ मेरे चाहने वालों की तरफ से, क्योंकि जब आप तरक्की करते हो तो बहुत सारा प्यार आपको और बहुत सारा क्वेश्चन और हेट भी आपको जनरेट होता है, जो एक जरिया भी है आपकी सक्सेस का। ये आपको एक इशारा भी देता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो मेरी लाइफ में सब कुछ मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और अपने भाइयों को हमेशा सही राह दिखाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि आपको अब इस क्लियर हो गया हुआ कि जॉब क्यों नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ तो प्रमोटेड भी हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी मैंने छोड़ा नहीं है, और बहुत जल्द मैं अगर, और मिल्क भी नहीं करता हूँ ना मैं यूनिफॉर्म को, अगर मिल्क करना चाहता हूँ तो मेरी आप पूरी प्रोफाइल देखो, सिर्फ यूनिफॉर्म के फ़ोटो मिलते। लेकिन मैं एक एंटरटेनर हूँ, एक्टर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, एक एथलीट हूँ, एक कोच हूँ और एंटरप्रेनर भी हूँ। तो मैं सिर्फ यूनिफॉर्म की नहीं डालता हूँ, तो मैं सारा कंटेंट डालता हूँ, कोशिश करता हूँ यूनिफॉर्म को कम से कम रखो, नहीं तो फिर यही ऑब्जेक्शन आता है कि भाई मिल्क कर रहा है, इसको मतलब यूनिफॉर्म का फ़ायदा उठा रहा है। जी नहीं। और रही ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो तो चलते हैं, एक छोटा सा घर हमारा बन रहा है उसको हम दिखाते हैं, और आपको आज ये भी बताऊंगा कि मेरी इनकम के सोर्स क्या है, पुलिस के अलावा मेरी फैमिली इनकम, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिवील नहीं करता हूँ। हाँ, एस्थेटिक इंडियन जो मेरा है, मैं ब्रांड में काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ का है, वाइफ कर रही है, एक ही बात है, समझ सकते हो ना। और एक बात स्पेशल मैं सभी को बोलना चाहूँगा, जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, शेयर जरूर कर देना कि देश में किसी भी फोर्स में कोई सिपाही है ना, तो वो प्राउड की बात है, और मैंने हमेशा से प्राउड की है। पोस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जज्बे से, आपके काम की लगन से फ़र्क पड़ता है। और इस दुनिया में ना तरक्की करने का सबको हक है, चाहे आप सिपाही हो, बल्कि ब्रिटेन में तो ऐसा होता है कि सिपाही भर्ती होने के बाद कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रोसीजर अलग है, तो सबके गोल अलग है। तो कभी भी ना आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि आपने कोई ज्वाइन कर लिया चीज़ तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ में अपॉर्चुनिटी और लाइफ हमेशा आपको कुछ ना कुछ करने का मौका जरूर देती है, ग्रैब करना आना चाहिए। और जो भाई मुझे बोलते हैं नेगेटिव कि मैं दूसरों के पैसे पे, ये भैया कोई किसी को नहीं देता, ठीक है, आज का टाइम इतना प्रैक्टिकल है ना, अगर आप जहर मांगने जाओगे ना शॉप पे, हालांकि इलीगल है, अगर कोई मेडिसिन भी मांगने जाओगे तो भैया पहले पैसे मांगेगा, चाहे एक रुपये की हो, प्रैक्टिकल बनो, ठीक है, हेट करने से कुछ नहीं मिलता, काम करो। तो चलते हैं, घर दिखाता हूँ, छोटा सा भाई जो इंटीरियर चल रहा है, और उसके बाद अपनी सारी चीज़ें रिवील भी करूँगा आपके सामने। सो गाइस, जैसे मैंने एक कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे छोटे छोटे कुछ और भी काम है, जैसे ये एस्थेटिक इंडियन है, क्लोथिंग अपेरल का ब्रांड है जो मेरे सभी भाइयों के लिए है जो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने क्वालिटी पर इतना काम किया है ना, मतलब आप फील करोगे जब आप पहनोगे, इस प्राइस रेंज में इंडिया के हर एक ब्रांड को मैं बीट कर सकता हूँ। तो ये है मेरी मेहनत, ये है आप सबका प्यार और आशीर्वाद। इसमें जो भी क्वालिटी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो प्रीमियम होगी, टॉप नॉच, चाहे वो अंदर हो, इसकी पैकेजिंग हो या फैब्रिक हो, हर चीज़ की गारंटी, प्राइस की गारंटी, पूरे भारत में डिलीवरी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। मैं 100% चौड़े में ये बोल सकता हूँ कि ऐसे डिज़ाइन, ऐसी क्वालिटी और ऐसा प्राइस अनबीटेबल है। तो जाओ फटाफट ऑर्डर करो, होली भी आ रही है, नए कपड़ों के साथ मनाओ एस्थेटिक इंडियन। सो एस्थेटिक इंडियन के दूसरे कलर में मैं आ चुका हूँ पहन के, अभी आपको ले जाऊँगा अपने घर में जहाँ पे इंटीरियर का काम चल रहा है। भाई ये वीडियो है ना सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं है, आपको सपने दिखाने के लिए भी है कि मैं एक छोटा सा सिपाही, एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से इतने काम कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आओ इंटीरियर दिखाते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर जब भी हम लेते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे पहले ये गेट ना पूरा एक था ऐसे, तो ये पूरा एक साइड खुल रहा था, तो इसके दो हिस्से कर दिए। अब ये मैं, आप जब अंदर आओगे तो ये क्लोजेट है जहाँ पे कपड़े होंगे, तो आ जाओ दिखाता हूँ। तो ये क्लोजेट है, यहाँ पे मेरे सूट, यहाँ पे सारे कपड़े, यहाँ पे एसेसरीज में आपको दिखाता हूँ, जैसे एसेसरीज किस लिए, मेरी वॉचेस वगैरह और सारी जो भी मैं पहनता हूँ वो यहाँ पे आ जाए। ये मेरे कवर्ड होंगे, इसमें टी शर्ट्स वगैरह मेरे ब्रांड की खुद की जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपने ब्रांड को बहुत प्यार से और इज्जत से पहनता हूँ, ठीक है। इसमें भी ऐसे लगेंगे। इधर वॉशिंग मशीन आएगी जो यहाँ पे रखी है, और ये कवर हो जाएगी।
ये सारे क्लोजेट सिर्फ क्लोथिंग का है मेरे, यहाँ पे कुछ एसेसरीज रखने के लिए, और यहाँ पे आएगा एक काउच। यहाँ पे मैं आपको जो रियल फुटेज है 3D वो दिखा दूंगा, यहाँ पे मिरर है मेरे रेडी होने के लिए। अब आपको दिखा दूं अपना छोटा सा बेडरूम। वो एक कहावत मैंने सुनी थी, आशुतोष सर ने बोली थी कहीं पे कि भाई रहते तो हम 6x6 के बेड पे सोते, तो उससे और ज़्यादा से ज़्यादा 8x10 का, 10x12 का कमरा या 15x12 का, और उससे ज़्यादा में तो हमारा गवर्नमेंट रहता है। तो ये मेरा छोटा सा बेडरूम है, क्योंकि बड़ा वाला बेडरूम मैंने बच्चों को दे दिया है। तो इसमें ये कबर्ड है ऊपर, ये बेड बनाया है नया है ये भी, टाइल्स, ये टीवी का यूनिट है ये वाला, और ये मेरी स्टडी टेबल, क्योंकि पढ़ने का शौक मुझे अभी भी है, मतलब ऐसा है कुछ भी नया जानने की क्यूरियोसिटी मेरे अंदर रहती है। ये सारे कबर्ड्स हैं जिसमें मेरे रूम का जो भी सामान है वो आएगा, ये वाला कबर्ड्स है, और ये बेड है, इस पे बेड पे डिजाइन है। फाइनल फुटेज में 3D आपको अभी दिखा दूँ। ये जब घर लिया ना तो ये बहुत प्रीमियम जगह पे है और बहुत पैसों से लिया था, लेकिन इसमें छोटे से बाथरूम तो मैंने कंबाइन किया है। और ये भैया यहाँ सोच करते हैं, सोच आती है, ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा लकड़िया काम करवाया है फिनिशिंग के लिए, लाइट्स अभी लटकी हुई हैं, और शावर इधर होगा एक, अगर वो लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वैसे बहुत है इनफ स्पेस। यहाँ पे लाइटिंग वाला शीशा एंड ऑल सब लग जाएगा, 3D इमेज में आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये बच्चों की टेबल है, यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ेंगे, दोनों के एक एक कबर्ड है क्योंकि अनायशा अभी छोटी है। ये बेड, एक अनायशा का, एक आनी का कबर्ड, और ये सारा छोटा सा रूम है। ये बच्चे स्पेस के साथ खेल भी लेंगे और इसमें रह भी लेंगे, और काफ़ी बड़ा स्पेस इनके पास, इनकी एसेसरीज एंड क्लोथ्स के लिए पूरा कबर्ड है दीवार पर, वो हो जाएगा। तो ये 15x15 का एक छोटा सा, मतलब हॉल बोल लो इसको, या यहाँ पे जो बैठते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में छोड़ो, यहाँ पे 65-75 इंच का TV एंटरटेनमेंट के लिए। ये मंदिर बनाया है, फाइनल फुटेज आपको दिखाता रहूँगा साथ में। इधर एसेसरीज वगैरह रखने के लिए, और इधर सोफे वगैरह सब आएंगे, वो आप 3D में देख लेना। ये रसोई का स्पेस हमने खोला है, पहले कम था, फ्रिज अंदर लिया है। हम 4 सदस्य हैं, छोटे 2 बच्चे और मैं, मेरा डाइट पे रहता हूँ तो इतनी बड़ी रसोई की ज़रूरत नहीं थी। तो ये रसोई हमने ली है, यहाँ पे माइक्रोवेव की जगह रख दी है, सारी चिमनी वगैरह सब आ चुकी हैं, सारी चीज़ें अब 15 दिन में बस सब रेडी हो जाएगा। तीन चीज़ों में ना कभी भी आप खर्चे फिक्स नहीं होते हैं, शादी, हॉस्पिटल और कचहरी, ये तो बढ़ते जाते हैं भैया। तो प्लान किया था 12-15 लाख में हो जाएगा, लेकिन छोटा घर होने के बावजूद भी एसेसरीज एंड सारे सेलेक्टिव आइटम्स, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो चिमनी हो, चाहे वो न्यू AC हो, चाहे कुछ भी हो, 25 करोड़ करने वाला है। बहुत खर्चा हो गया भैया, अब बॉडी बनाने पर भी ध्यान देना है इन पैसों को रिकवर करने के लिए। तो बॉडी बनाने के लिए हम क्या करना है आगे भी सुनो।